92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। मैं हूं भावना सोमाया और हमारा आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक फिल्म पर आधारित नहीं है या आने वाली कोई रिलीज पर आधारित नहीं है। ये डेडिकेटेड है वो सारे फिल्म आर्टिस्ट को जिनको हाल ही में सरकार ने नेशनल अवार्ड से नवाजा है। हमारे स्टूडियो में पहले तो है सुजीत सरकार, इरफान खान और दीपिका पडुकोण, और ये बात करेंगे फिल्म पीकू की राइटर जूही चतुर्वेदी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपकी फिल्म देखी और मुझे बहुत 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 पसंद आई। चार दिन पहले मेरी बहन ने कहा था कि जैसे पुरानी फिल्में बनती थी ना, ऐसी फिल्में क्या कभी नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो सुजीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सब्जेक्ट है वो आमतौर पे इसके बारे में बात नहीं होती है ड्राइंग रूम में, तो आपने इस पर एक पूरी फिल्म बनाने को कैसे सोचा? आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो विकी डोनर से आया। अगर कोई सब्जेक्ट हो जिसमें थोड़ी सीरियस बात हो, उसको अगर थोड़ा मज़ेदार तरीके से किया जाए तो शायद लोगों के पास ज़रा जल्दी पहुंचता है। एंड आई हैड वन ब्रिलियंट राइटर जूही चतुर्वेदी। जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट को कंसीव किया, जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को स्केच किया, जिस तरह से लिखा, विच वॉज सो सिंपल एंड सो जेन्युइन। मैंने अपने रिव्यू में ये कहा है कि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये फिल्म बहुत रसीली है, निराली है और सच्ची है। रस तो जरूर है, डेफिनेटली ये तो मान लूंगा। मगर आप देखो कि फिल्म में एक्चुअली कोई प्लॉट नहीं है। एग्जैक्टली, इवन दो इसमें यू नो रिलेशनशिप की कहानी है, लाइफ की कहानी है, ये सब चीजों को मिलाकर हाउ डू यू सेल इट एज एन एंटरटेनिंग फिल्म, वो बहुत ही मुश्किल हो गया हमारे लिए। दीपिका ने अभी बताया कि ऐसी फिल्में बेचना मुश्किल हो जाता है, मगर ऐसी फिल्में लिखना भी तो बहुत स्पेशल होता है। ऐसी क्या बात थी या क्या माहौल था जब जूही चतुर्वेदी ने अपने बहुत ही स्पेशल सीन्स लिखे थे? फिल्म में दो चार चीज़ें बहुत साफ नज़र आती हैं। एक तो तीनों एक्टर्स बहुत फैमिलियराइज्ड हैं एम्बियंस से, अपने कैरेक्टर से, अपनी लाइन्स से, और एक ट्रस्ट है। और सारे परफॉर्मेंसेस जो इतने खूबसूरत है, मैं आपको क्रेडिट देती हूँ सुजीत, आपके बारे में ये नजर आता है फिल्म में कि यू आर अ गॉड ऑफ डिटेल्स। आमतौर पे क्या होता है कि कहानी अच्छी होती है या किरदार अच्छे होते हैं या बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है। आपकी फिल्म में जो घर है वो ये दोनों कैरेक्टर्स का घर लगता है। तो आपके ये आर्ट डिजाइन टेक्नीशियंस, हाउ डिड यू पिक देम अप? मैंने ऐसे घर दिल्ली में देखा हुआ है, मैं जानता हूँ ऐसे बंगाली घर। और जैसे कहा आपने कि इस फिल्म में कोई प्लॉट नहीं है, वो नहीं, इट्स अ फैक्ट। और मैंने इनको बताता था, मेरा एक ही है कि 5 मिनट इनटू द फिल्म अगर आपको कैरेक्टर पसंद आ गया, यू सेल विथ हर और हिम, तो सेलिंग फिर चलेगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, देन यू स्टार्ट लविंग द कैरेक्टर। 5-10 मिनट के अंदर वो सेटअप हो जाता है। मतलब I know this script and the character by heart. I mean, I know the commas, I knew everything about the scenes. क्या करते हैं, हमारा process थोड़ा अलग होता है मेरा जूही का। So idea जूही से आता है। I bounce it with my producer Ronnie. What do you think? Obviously he says कि where is the script? Script session नहीं करते हम लोग discussions करते हैं। And these discussions could be spiritual, could be food, could be about cooking, anything. And वहाँ से I think उसको ना मटेरियल मिलता रहता है, उसके हेड में जाता रहता है, एंड देन शी कट्स ऑफ। वो 1-1.5 महीने के लिए मेरे से एकदम स्विच ऑफ काट देती है मेरे को एकदम, एंड देन शी स्टार्ट्स राइटिंग। एंड लेट मी टेल यू द स्क्रिप्ट नो डाउट इज सो वेल रिटन। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपकी फिल्म में 3 languages है, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली, और 3 जगह है, बनारस, कोलकाता और दिल्ली। दीपिका को हम ऑफिस में देखते हैं, घर में देखते हैं और बहुत कम अकेले देखते हैं। जो रियल दीपिका है वो 4 सीन में नजर आती है क्योंकि उसको वो 4 सीन में भी कोई सांस नहीं लेने देता है। एक बार गाड़ी में हो जब वो आप डांटता है ना इरफान, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। व्हाट अ सीन एंड हर एक्सप्रेशन आफ्टर द सीन। दीपिका का जो रिएक्शन मैंने सिनेमा में देखा वो कमाल का रिएक्शन है। मैं उसकी हिमायत कर रहा हूँ, बट उसको अपने बाप को कोई बाहर का आदमी डांट रहा है, उसको जिस तरह का एम्बेरसमेंट और जिस तरह का पेन है, आई थिंक वो सिनेमा में उस तरह के रिएक्शंस बहुत
कम देखने को मिलते हैं। वो तो हम शूटिंग में देख लिया था। जूही वाज तो क्राइंग ऑन माय राइट। मैंने व्हाई आर यू क्राइंग, होल्ड लेट मी शूट, मेरे को शूट करने दे, रो मत तुम। बहुत बहुत मुबारक मेरी ओर से और पूरे बिग एफएम परिवार की ओर से, कंग्रेचुलेशंस। साल 2015 में वो कौन सी फिल्म थी जिसको 4 नेशनल अवार्ड मिले और वो कौन से डायरेक्टर थे जिनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला? संजय लीला भंसाली की हर फिल्म का हर फ्रेम बेहद खूबसूरत होता है, उनकी हेरोइंस बेहद खूबसूरत होती है, उनकी अपने घर में और अपनी आपसी जिंदगी में भी हर तरफ खूबसूरती है। ये क्या ऑब्सेशन है संजय लीला भंसाली को खूबसूरती से? सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, खुश हो आप? बहुत बहुत खुश, इससे ज्यादा मैं ना भगवान से मांग सकता हूँ, ना ऑडियंस से मांग सकता हूँ, ना फिल्म फ्रेटर्निटी से मांग सकता हूँ। फर्स्ट हैंड मैसेजेस और वो सब आते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बार कि हर कोने से मुझे इस फिल्म को सराहा गया, उसकी तारीफ की जा रही है। तो सारी जितनी मेहनत है वो सब मुझे लगता है कि वो मेहनत रंग लाती है ना, वो वाली बात पहली बार महसूस हुआ। जब ये फिल्म आप बना रहे थे या जब ये फिल्म आपने सोची कंसीव की, तब आपको लगा था कि ये इतनी अच्छी बनेगी? भाई ऐसे कोई गारंटी होती नहीं कि आपकी पिछली फिल्म बहुत अच्छी बनी थी इसलिए ये भी बहुत अच्छी बनेगी, आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है इसलिए भी अच्छी बनेगी। आपको उतनी मेहनत एग्जीक्यूट करने में, आपका जो इमेजिनेशन है, आपने जो सोचा है, जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं, वो क्या सब एग्जीक्यूट हो पाएगा? ख्यालों में तो हो सकता है, पर उसको एग्जीक्यूट उतनी ही फिनिशिंग के साथ करना, तो आई टुक इट शॉट बाय शॉट, एवरी शॉट आई गिव माई लाइफ टू इट, जितना मैं दे सकता हूँ मैंने उस शॉट को दे दिया। फिर उसके बाद हाँ मुझे लगता कि इससे बेटर मैं ये शॉट नहीं ले सकता हूँ, फिर मैं आगे जाता था। तो ऐसे करते करते सीन बनाए, फिर सब सीन पे, फिर वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनते बनते पूरी फिल्म बनती है। तो ऐसा कोई पहले दिन मालूम नहीं होता कि ऐसी बनेगी, बट आसार दिख रहे थे। मैं जब भी आके रीडिंग रूम में देखूँ कि क्या शूट किया पिछले चार हफ्ते का दिखाओ जरा, तो कुछ जादू सा महसूस होता था मुझे कि ये तो बहुत कुछ अलग लग रहा है, बहुत कमाल लग रहा है, ये तो शायद में कुछ स्पेशल चीज़ बन रही है, इतना मुझे समझ में आ गया था। बट कैसी बनेगी एंड तक वो नहीं मालूम। हर कलाकार की एक कल्पना होती है और इस कल्पना को रूप देने में उसका साथ देते हैं क्रिएटिव टीम। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की क्रिएटिव टीम ने कैप्टन ऑफ द शिप संजय लीला भंसाली का कैसा साथ दिया, जानेंगे थोड़ी देर में संजय लीला भंसाली से खुद। इट इज सो इंटरेस्टिंग कि वहीदा रहमान ने फिल्म देखने के पहले ये कहा कि ये संजय लीला भंसाली में के आसिफ का कैनवस है और राज कपूर की शोमैनशिप है और गुरुदत्त की तरह वो हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके हर फिल्म में देखा गया है कि इट्स नॉट जस्ट द डायरेक्टर हु इज प्रेज्ड, इट इज एवरी टेक्निकल डिपार्टमेंट एक्सेल्स एट द पीक। तो आप अपनी टेक्निकल टीम या सबको कैसे चुनते हो, क्या ब्रीफ देते हो? क्योंकि फिल्म का जब हम कैमरा वर्क देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तो आपने जब अपने कैमरामैन को साइन किया, उससे क्या कहा, कितना समय बिताया, क्या ब्रीफ्स दिए? कुछ नहीं, मुझे सुदीप पसंद है एज अ पर्सन, उन्होंने मेरी गुजारिश शूट की थी, बस ले लिया। नए आर्ट डायरेक्टर्स आए मेरे ऑफिस में तीन, जिन्होंने मेरे जब 2002 में मैं देवदास बना रहा था तब वो नितिन देसाई जो आर्ट डायरेक्टर थे उस वक्त के, उनके असिस्टेंट्स थे तीन। वो तीनों आए, बोले हम लोग साथ में अभी काम करें, हमको एक काम, हमको काम देंगे। मैंने कहा आप ले लो ये फिल्म आपकी। तो मैं ऑफिस थॉट के मैं पागल हूँ कि नए लोगों को आपने ऐसे फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग पे ऑपरेट करेगी, उसको दे दी मेरे को दे दी। इंस्टिंक्ट्स में ऑपरेट करता हूँ कि जो मुझे लगता है आँखों में देख के कि ये, वो आँखों का एक स्पार्क मुझे दिखा कि इसकी आँखों में चमक है, फिर वो मैं उसको ले लेता हूँ। एंड आई कैन टेक एनी रिस्क विद एनी टेक्नीशियन, इट डजंट रियली मैटर, दे ऑल कम अराउंड बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट आई वर्क 18 hours, so they have to work 18 hours. Once they start working 18 hours, उनको सबके अंदर की पोटेंशियल को खुद की टैप करना शुरू करते हैं। अरे यार हमने तो इतनी मेहनत की ही नहीं थी, इतनी मेहनत की थी, हमारा काम इतना अच्छा पहले था ही नहीं। तो दे स्टार्ट डिस्कवरिंग देयर ओन पोटेंशियल और वहाँ से फिर जो उनका प्यार शुरू होता है काम पे, तो दे वॉन्ट टू डू इवन मोर लाइक कॉस्ट्यूम्स। इस बार अंजू मोदी ने बेमिसाल काम किया कि मतलब मैं देख देख के खुश हो जाता था। दीवानी मस्ताने के लिए हमारे पास 10 कॉस्ट्यूम्स थे रेडी फाइनल for me and Deepika to decide which one she should wear. So he said each one was better than the other. Anju Modi couldn't stop. Anju Modi ka aisa hoga ki main do costume aur banati hu. Maine kaha nahi, itne paise bhi waste nahi karne. Bole nahi, nahi use karenge, mujhe wapas de dena. Main 4 costume aur bhej raha hu. Because she was in love with what she was creating for Mastani. Abhi wo andar ka artist ekdam nikhar ke aana shuru ho gaya. Abhi wo control hi nahi kar pa rahi hai. Wahi cheez Sudeep Chatterjee cameraman ya wahi cheez sound recordist ya production sab log. So I think I worked with the best minds.
I worked with the best people. The intention, the level is we have to keep the legacy of Kamal Amroi, K. Asif Saab and Raj Kapoor going there. We Shantanam has to be alive in us. So I want to keep that legacy alive. Kangna Ranaut ko itne chote career mein 3 national awards mil chuke hai. Pehla, film fashion ke liye. Dusra, film queen ke liye. Aur tisra, saal 2015 ki film Tanu Vech Manu Returns ke liye. Is film mein कंगना ने दो भूमिकाएं निभाई, डबल रोल किया. पहला तनु का और दूसरा तनु के हमशक्ल दत्तू का. कंगना को इन दोनों किरदारों में कौन ज्यादा पसंद है? हमारे स्टूडियो में है साल 2015 की नेशनल अवार्ड विनर कंगना रनौत, जिसको हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस फॉर तनु वेज मनु रिटर्न्स मिला है. कभी कभी क्या हो जाता है कि आप दो कैरेक्टर्स निभा रहे हो और आपको एक से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है एक्टर के लिए. जब आपको उनको लिटरली यू हैव टू वेयर देम लाइक क्लोथ्स, तो आप बिल्कुल भी उनसे डिटैच नहीं रह सकते हैं. तो मैंने एक्चुअली में ये महसूस किया है कि जब मैं तन्नू के किरदार में होती हूँ तो सोचती हूँ कि जैसे वो जो लड़की मेरा ड्यूप बनी होती है, जिसके बैक शॉट्स लेते हैं, तो उसके लिए एक अजीब सा कि वो कहाँ है, दत्तू कहाँ है, अब क्या कर रही है ये, तो एक उसके लिए नेगेटिव फीलिंग ऑलरेडी होना दत्तू के लिए जब मैं तन्नू हूँ. और जब मैं दत्तू हूँ तो तन्नू को समझना और वो कैसे मेरी फीलिंग्स ट्रांसफॉर्म होती है, मेरे लिए खुद एक सेल्फ डिस्कवरी है कि उसके लिए एक अजीब सी डिसलाइकिंग, अपने बाल ज़्यादा अच्छे लगने, अपना नॉन मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा लगना, और उसको सोचना कि क्या अजीब से घुंघराले बाल हैं उसके, रफ रफ ड्राई ड्राई, ये ख्याल नेचुरल मेरे दिमाग में आना, और उसके जो सिल्वेट को भी हेट करना जी. तो ये मेरे साथ हुआ. और इनफैक्ट ट्रेलर के टाइम पे दत्तू को इतना रिस्पॉन्स मिला, तो शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा. धीरे धीरे एक पर्सनैलिटी मेरी उससे कॉम्प्लेक्स में आने लग गई. तो मैंने आनंद जी को फोन किया, मैंने कहा तनु का कब सॉन्ग रिलीज कर रहे हो? सही बात है. मैंने कहा उसका सॉन्ग क्यों नहीं रिलीज कर रहे आप, उसका वो डायलॉग क्यों नहीं वो किया, ये क्यों नहीं कहते? यू बिकेम प्रोटेक्टिव ऑफ तनु. तनु मुझे इतना बुरा लगे कि ये दत्तू तो छा गई, तनु को कोई पूछ ही नहीं रहा है जी. तो ये ऐसी फीलिंग आती है. ये थे साल 2015 के नेशनल अवार्ड विनर्स, जिनको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा. अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और नए किरदार और कुछ नई कहानियां लेकर. बने रहिए 92.7 बिग एफएम.